दोस्तों आज हम बात करेंगे जियोफाई M2S के बारे में। ये जियोफाई M2S जो है ये जियो की तरफ से एक पोर्टेबल वाईफाई रूटर है जो बहुत ही पुराना है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉडल्स है। तो मैं ये जो जियोफाई M2S है ये आज से करीब 8 या 9 महीने पहले अमेज़ॉन से ख़रीदा था और मैं पिछले 8 या 9 महीने से इसे कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा हूँ एज ए बैकअप डिवाइस फॉर माई वाईफाई कनेक्शन। क्यों बैकअप डिवाइस? क्योंकि मेरे पास सिटी ब्रॉडबैंड का एक 60 Mbps का कनेक्शन है, वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन है। जब भी वो फेल करता है, जब भी उसमें कोई दिक्कत आती है, तब मैं इसे एज ए बैकअप डिवाइस यूज़ करता हूँ। तो पिछले 8 या 9 महीने से मैं इसे कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा हूँ। पहले तो हम बात करना चाहेंगे इसका जो बिल्ड क्वालिटी है इसके बारे में। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्टर्डी है। हाथ में लेते ही आपको लगेगा कि आप एक प्रीमियम डिवाइस हाथ में लेके रखे हैं। पकड़ने में बहुत ही स्टर्डी है, बहुत ही बेहतरीन है। आपको एक बहुत ही प्रीमियम फील देगा जब आप इसको हाथ में पकड़ेंगे। तो इसके जो लाइट स्टेटस है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। ये जो है ये बटन, ये ऑन ऑफ बटन भी है, स्टेटस इंडिकेटर बटन भी है। इसके ऊपर एक वाइट सा जो लाइट ब्लिंक कर रहा है ये आप देख सकते हैं। ये डिनोट करता है, ये दिखाता है कि ये डिवाइस चल रहा है, ऑपरेशनल है। उसके बगल में ये बैटरी लेवल इंडिकेटर है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये जो पहला सिग्नल है ये रेड, ब्लू और ग्रीन में ग्लो करता है। जब इसमें कोई मोबाइल सिग्नल नहीं होता है तो ये रेड रहता है। जब इसका सिग्नल स्ट्रेंथ मीडियम रहता है तब ये ब्लू रहता है, और जब इसमें फुल मोबाइल सिग्नल आ जाता है तब ये ग्रीन में ग्लो करता है। उसके बगल में जो है ये दोनों तरफ का एरो दिया हुआ, ये इंडिकेटर है, डेटा ट्रांसफ़र इंडिकेटर। उसके साइड में जो दिया है ये वाईफाई सिग्नल ट्रांसमीटर इंडिकेटर। तो ये है इसका सारा इंडिकेटर्स। बहुत ही कॉम्पैक्ट है और ये जो डिवाइस है इसका ओवरऑल क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। मैं तो पिछले 8 या 9 महीने से बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ इससे। अभी तक इसका जो ऊपर का जो ये प्रोटेक्टिव एक प्लास्टिक लगा होता है वो भी हमने नहीं उतारा है। आप देख सकते हैं ये जो उसका टैग है, ये उसका टैग है, हमने अभी तक नहीं उतारा है उसे। तो ये जो जियोफाई M2S है इसके बारे में हम जो भी शब्द कहें वो शायद कम पड़ेगा। पहले तो हम बताना चाहेंगे इसके बैटरी बैकअप के बारे में। बैटरी बैकअप के बारे में अगर हम बात करने जाए, इसमें कितने स्ट्रेंथ का बैटरी लगा है इसके बारे में हम नहीं जाएंगे। इसके ऊपर एक वीडियो पहले ही हम बना दिए थे। आज हम सिर्फ यूज़र रिव्यू करेंगे, मेरा 8 या 9 महीने का यूज़र रिव्यू। तो इसके भीतर जो बैटरी लगा है, ये बैटरी का जो हाइस्ट मैं इस्तेमाल किया वो करीब 5 घंटे का। 5 घंटे बाद जब मैं देखा कि इसका बैटरी इंडिकेटर एक डंडी दिखा रहा है, तब मैं इसे पावर सोर्स के साथ कनेक्ट किया और ये चार्ज होने लगा। इसका जो कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, कंट्रोल पोर्टल है, वहाँ पे जाके हम देखें तो तब भी इसमें करीब 22-23% का, मतलब 22 या 23% का बैटरी तब भी बचा हुआ था। मतलब अगर मैं इसे सिंगल चार्ज में इस्तेमाल करना चाहूँ तो एक पूरा वर्किंग डे, मतलब कि 8+ आवर्स मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो एक होल वर्किंग डे की यूसेज के लिए ये जियोफाई M2S बहुत ही बेहतर है। अब आते हैं इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, सिग्नल और स्पीड। मैंने एक सिम लिया, जियो का सिम, क्योंकि इसमें जियो का सिम डाल के ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वही जियो का सिम जब मैं अपना आईफोन में या एंड्रॉयड फ़ोन में डाल के उसके सिग्नल को हॉटस्पॉट के ज़रिए इस्तेमाल करना चाहा, जब मैं उसी सिम को इस जियोफाई M2S में डाल के इस्तेमाल करना चाहा तो हमने देखा कि स्पीड और सिग्नल क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन हो गया। मतलब कि जब आप इसके ज़रिए जियो का सिग्नल इस्तेमाल करना चाहेंगे, जियो का इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहेंगे, तब आपको बहुत ही बेहतरीन स्पीड मिलने वाला है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मैं जिस घर में रहता हूँ, इस घर में मुझे जियो का स्पीड जनरली ऑन माई फ़ोन 2 Mbps मैक्स टू मैक्स 2
2.6 Mbps ऐसे मिलता है, पर जब मैं वही सिम इसमें डाला तब मैंने देखा कि वो 8 Mbps, 11 Mbps, मिनिमम 5. समथिंग Mbps मुझे मिलता है और ये कंटिन्यूस है। आप ये समझ सकते हैं कि जब मैं अपने घर का 60 Mbps का वायर्ड कनेक्शन से इसमें स्विच करता हूँ तब वो इसका जो 8 Mbps, 5 Mbps या 11 Mbps जो भी दे वो बहुत ही कम है। पर ट्रस्ट मी, मुझे कभी भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस हुआ, कभी भी बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हुआ। ऑफकोर्स एक फ़र्क तो होता ही है, 60 Mbps और 11 Mbps या 8 Mbps या 5 Mbps तो बहुत ज़्यादा गैप है ये स्पीड का, पर एक्चुअल में रियल लाइफ सिचुएशन में मुझे डाउनलोडिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस हुआ। अपलोडिंग में हाँ फ़र्क महसूस होता है, क्योंकि 60 Mbps का जो अपलोड स्पीड होता है वो एक 11 Mbps स्पीड या 8 Mbps स्पीड या 5 Mbps स्पीड वो सीमलेसनेस नहीं दिखा सकती। तो पिछले 8 महीने से मैं जब इसे इस्तेमाल करता हूँ, एक तो इसका बिल्ड क्वालिटी, इसका बैटरी कैपेसिटी इंडिकेटर का जो एक्यूरेसी, इसका बैटरी बैकअप, इसका सिग्नल क्वालिटी, सिग्नल स्ट्रेंथ, जो कुछ बोलिए, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ इससे। तो अगर आप एक पोर्टेबल वायरलेस डिवाइस ख़रीदना चाहते हैं तो जियोफाई M2S आपका चॉइस हो सकती है। आप एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए, सेम आप अपने मोबाइल फ़ोन में डालिए, हो सकता है आप आईफोन यूज़ करते हैं या एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें डालिए, स्पीड टेस्ट कीजिए किसी दूसरे डिवाइस से, और इसमें डालिए वही सेम और आप स्पीड टेस्ट कीजिए दूसरे डिवाइस से, तो आप ज़रूर देख पाएंगे कि इसका जो थ्रूपुट है, इसका जो सिग्नल क्वालिटी है, इसका जो ट्रांसमिशन क्वालिटी है, डेटा ट्रांसफ़र क्वालिटी है, स्पीड है, वो बहुत ही बेहतर है, करीब 3-5 गुना ज़्यादा है आपके फ़ोन से, क्योंकि ये एक डेडिकेटेड मोडेम है, डेडिकेटेड वाईफाई मोडेम है जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के ऊपर ऑपरेट करता है, इसलिए इसका स्पीड बहुत ही बेहतर है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए लेट्स टॉक विद चंदन। नमस्कार।